तैलदर वृद्धि प्रतिवाद में आज सका ओडिशा बंद डाकरा देछि भारतीय कम्युनिस्ट दल सका छु आरंभ होता बंद पालन दिन बार जाए चालू रही है। यह समय मध्य दलर कर्मकर्ता स्वरर विभिन्न स्थान सहित जातीय राजपथ आगे धारणारे बसवा सहित जातीय राजपथ को अवरोध करते करोना काल में तैलदर बढ़ाई सरकार लोकों पर बोझ उपर नलिता बिड़ा लदि दे अभोग कर कम्युनिस्ट दलर कर्मकर्ता मिलित तो वामपंथी दल मान डाकर ये जो ओडिशा बंद डाकरा दि जाएगी ये बंद डाकरार आभिमुख्य होची विशेषकर जो ओडिशा रे एवं भारत बर्ष रे पेट्रोल डीजल एवं रंधन गैस रो जो अहेतुक दरदाम वृद्धि होती आंतर्जातिक स्तर रे पेट्रोल डीजल रो दर सर्वनिम्न 40 टंका धार्य होता बेले वर्तमान ताकू केन्द्र एवं राज्य टैक्स ना रे 105 टंका बिक्री होची डीजल पेट्रोल एवं गैस 2014 बेले 414 टंका सिलिंडर पिछा थिबा बेले वर्तमान 2021 1000 टंका धरी तेणु तार प्रतिवाद रे आज बंद डाकरा ये दरदाम आकाश छुआ फल जो साधारण मेहनती मनीष जो प्रभाव पड़ी एवं दुई वर्ष लगातार धरिकी जो लॉकडाउन से लॉकडाउन रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो व्यवस्था नवा कथा से व्यवस्था नहीं नथिबारु वर्तमान कर्मसंस्था तो ठप हो पड़ी एवं साधारण मनीषर रुजिरुटी उपर तार प्रभाव पड़ी तार प्रतिवाद रे आज ये बंद डाकरा तेणु ओडिशा रे ये बंद जो डाकरा दिया जाइछि ये बंद को जनसाधारण सफल करिसेंति। सहीपरी भाव में भद्रक चारोटी वामपंथी दल सरकार विरोधी नाराबाजी लगवा सहित बंद पालन करेक्षी में मिलित वामपंथी संगठन पक्ष सीपीआईएम जिला संपादक दिव्य सिंह नायक सीपीआईएमएल जिला संपादक समर बल सीपीआई जिला संपादक शुभेन्द्र प्रताप महांती डीजेल और पेट्रोल पर टिकस वृद्धि जो यार लिटर पिछा मूल्य 100 टंकार ऊर्ध अच्छी कहते यार सीधा प्रभाव माल व यात्री परिवहन उपरे पड़ुछी बोली मध्य कहिसेंति। तबे कोरोना महामारी जो लोकंकर जीवन जीविका संकटापन्न होइतिबा बेले सरकार तैल दर वृद्धि करी 23 नित्य व्यवहार्य जिनिसर द्रव्य 23 नित्य व्यवहार्य जिनिसर दर मध्य वृद्धि करबा जो साधारण लोकंकर आर्थिक मेरुदंड संपूर्ण भाबरे भांगी पकाइछि बोली मध्य अभिषेक करिसेंति। यह चारि वामपंथी दल केन्द्र और राज्य सरकार को तीव्र समालोचना करि कहिथिले जे 2014 और 15 नरेन्द्र मोदी को बीजेपी सरकार डीजेल और पेट्रोल पर अबकारी शुल्क बाबदे 74,185 कोटी टंका आदाय कर 2020 एप्रिल 2021 जनवरी 10 मास आदाय कर 2,95,000 कोटी टंका यहपर रही राज्य सरकार पेट्रोल उपर 32 भाग और डीजेल उपर 28 भाग टिकस मोटामोटी भाव में डीजेल और पेट्रोल दर जहाँ ताठार दुई गुण टिकस केन्द्र और राज्य मिशि आदाय कर दर वृद्धि घटी यह सहित गोटाए वर्ष खाद्य सामग्री दर 70-80 भाग वृद्धि पाई बेआईन महजूद और कलाबजारी व्यापक हो दर वृद्धि फल साधारण लोकंर तेल लुण संसार उजुड़ जा एणु केन्द्र और राज्य सरकार डीजेल और पेट्रोल पर टिकस ह्रास कर दर कमाइबा एवं नित्य व्यवहार्य जिनसर दर वृद्धि बंद करने कलाबजारी और मजदूदकारी को जबत करने प्रति परिवार को मुंड पिछा 10 केजी चाउल गहम खाइबा तेल डाली चीनी चा इत्यादि राशन किट मागणारे जोगाइबा आयकर देउनथिबा समस्त परिवार को मासिक 7,500 टका 6 मास पर्यंत प्रदान करने दाबी पर यह बंद डाकरा दी डाकरा को कांग्रेस दल मध्य समर्थन करछि जे ओडिशा रो चारटी वामपंथी दल 6 घंटा पाई आज ओडिशा को अचल करिसेंति जे आपण माने जानिथिबे पेट्रोल डीजेल रंधन गैस नित्य व्यवहार्य जिनिसर जो अत्यधिक दरदाम हेछि जो पेट्रोल डीजेल रंधन गैस रो जो टिकस वृद्धि हेछि ताको आज विरोध करिकि आमे आज आंदोलन डाकरा देइछु जे आपण माने जानिथिबे जतेबेले कोरोना महामारी समय रे जतेबेले लोक चारिकांत भितर अछंती जतेबेले सरकार शटडाउन लॉकडाउन नारे लोकंकु हर भितर परखिछि जतेबेले
ଗଲେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହବ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଟିକସ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରିକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି 10 ମାସ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2,95,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସରେ ଟିକସ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲର 32% ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲର 28% ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଟିକସ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, 2 ଗୁଣ ଟିକସ ଆଜି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଏ ଲଢ଼େଇ ଦୁର୍ବାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ଫାସିଷ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ହତ୍ୟାକାରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଇନକ୍ଲାଭ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସ୍ତରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।